अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो बहुत दिन बाद आज हम लोग निकले हैं बाहर। आज प्लान किया हम लोगों ने इफ्तारी बाहर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो ये रही मार्शा, से हेलो। ये सो देखते हैं अभी हम लोग कहाँ जाते हैं। कुछ प्लान एग्जैक्टली किए नहीं है कहाँ जाना है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ओपन है नहीं है, ये भी कुछ हम लोग को थोड़ा डाउट चल रहा है। जैसे मैंने बताया हम लोग इफ्तार के लिए जा रहे हैं, बहुत दिन बाद घर से निकले हैं, क्योंकि घर के काम सारी चीज़ों में प्रिपरेशन करने में बिल्कुल मौका मिलता ही नहीं था कहीं बाहर जाने का। सो, अच्छी बात है, घर में इफ्तार खोलना अच्छा है, और डेली कुछ ना कुछ न्यू वैरायटीज़ बनाना ट्राई करती थी मैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही एक्सपीरियंस मेरा अब तक का। तो आज थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं, फ्राइडे है, हॉलीडे है हस्बैंड की, तो बस इसीलिए प्लान की कि चलते हैं बाहर विज़िट करते हैं। सो, आप लोगों को भी ले चलते हैं, ब्लॉग भी पूरा बने रहेगा, एंड तक देखिएगा। सो टैक्सी ले रहे हैं, कैब लेके चलते हैं। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे फ्रिज, ये बहुत ही फेमस अरबिक रेस्टोरेंट है, और मुझे यहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग लगता है। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं होता है और बहुत मज़े का बनता है। तो इंडियन फूड इस बार हमें नहीं खाना था, इसीलिए हम यहाँ पहुँच गए, बट चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था, बहुत जल्दी इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, और एज़ यूजल हमें नहीं बुकिंग मिली, तो हमें इसके दूसरे अपोजिट रोड पर एक और रेस्टोरेंट था, वहाँ पर आना पड़ा। वेरी डिसअपॉइंटेड यार। चलो चलो, टेक अ सीट। ठीक है, वो फ्रेंड्स ऐसा हो गया ना कि फ्रीट्स वाले जो हम लोग गए थे वहाँ पे इतना क्राउड था, जबकि हम लोग ने कॉल करके बुकिंग एंड ऑल सब कुछ करके गए थे, बट ऐसा केस हो गया कि 4 बजे से ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे वेटिंग है, तो इतना ज़्यादा क्राउड हो गया कि फिर हम लोगों को वहाँ पे बुकिंग में अपना नाम वगैरह लिखा के रहे, वो भी हमारी बुकिंग ऑलमोस्ट 28 के बाद आ रही है। सो, यार इफ्तार तो भी करना है ही, तो जस्ट उसके ऑपोजिट में ही एक और मकान था पतल, हम लोगों ने प्लान किया वो मजबूस, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्लान की कि यहीं पे इफ्तार कर लेते हैं हम। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम। क्राउड तो आप लोगों ने देखी कितना एक्सट्रीम क्राउड था वहाँ पे, सो नई जगह पे ट्राई करना चाहिए। सो यहाँ पे खजूर वगैरह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन लोगों ने इफ्तार के लिए। कैसा लगा वहाँ पे सब कुछ बन रहा? डिसअपॉइंटेड फील हुआ, क्योंकि वहाँ का टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ, लेट्स सी ना, न्यू जगह ट्राई करना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। बाकी एम्बियंस वगैरह अच्छा है, होटल भी बहुत अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज। सो अगर यहाँ पे अच्छा रहा तो नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे खाएंगे। इफ्तार तो खोलना है, तो देखते हैं क्या करें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्राउड था ना वहाँ पे, लोग 4 बजे से आके बैठे हुए इफ्तारी के लिए। ऑब्वियस है, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मिली रास्ते पे। ऑब्वियस है, ये टाइम ऐसा होता है कि लोग रश करते हैं घर जाने के लिए और इफ्तार के लिए। देखते हैं, फर्स्ट टाइम रहा तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी लग रही है। सो ये कुछ हम लोगों ने ऑर्डर दिए थे, और बस अजान की कुछ ही वक्त पहले आ गया था। मार्शा ने ये ऑलमोस्ट सब कुछ, उसको बहुत पसंद आया ये, तो उसने पहले ही इफ्तार अपना खोल दिया। इसमें था मशरूम सूप, एंड देन एट दी एंड ये स्वीट डिश मिली। कैसा टेस्ट? लाइक इफ्तार होने के बाद भी, उसके इतनी देर बाद भी यहाँ पे इतना ज़बरदस्त क्राउड देखने मिला। सो हम पहुँच गए लुलू, अब यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करते हैं। मार्शा का हम लोगों ने फन जोन में सब्सक्रिप्शन ले रखा है पूरा 1 मंथ का, तो उसको वसूल करना बनता है, तो जब भी टाइम मौका मिलता है हम लोग बस यहाँ पहुँच जाते हैं। लेट्स गो, वहाँ पे चलते हैं, देखते कितनी मस्ती करती है आज। मार्शा ने अपना न्यू पर्स, मार्शा शो है पर्स, पर्स, वाओ नाइस। मार्शा अपने पर्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत खुश है उसको लेके, उसको भी आदत थी कि मेरे पास भी अपना पर्सनल अपना पर्स हो। सब हो गया, ओके ओके, बाय।
हमारे एक बोट आगे में दो छोटे बच्चे बैठे, जिसमें लड़की जो थी वो बहुत ही ब्रेव थी और लड़का बहुत डर रहा था बेचारा। सो रियली बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ राइड में बैठी हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे फन जोन था, मेरी गो राउंड और इसी बहुत सारे यहाँ पे भी राइड्स थे जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किए। हम लोग भी बच्चों के साथ आज बच्चे बन गए इस बार। वेरी गुड। अभी गिरने वाला है पूरा, तो पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। 5 4 माशा काउंट 5 4 माशा पहले से ही डर गई है। 3 2 वजन यार आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।